आज की क्लास में हम नोट्स से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन उठना लाजमी है क्योंकि ये नोटबंदी हुई थी इंडिया के अंदर और नए नोट निकल के आए हैं। तो नए नोट पर किस नोट पर किस चीज़ का फोटो वही आता है पेपर में। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक जैसे कि पूछ लेते हैं 500 रुपये में, 500 रुपये का जो नोट है वहाँ पर किस चीज़ का फोटो है। तो लाल किले का है, लाल किले का जो कहाँ दिल्ली के अंदर है। आओ अब हम इन फोटो को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। एक बेटा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आप मुझे पैसे दे दो, हमारे स्कूल से टूर जा रहा है। पिताजी कंजूस था, पिताजी ने 50 रुपये दिए उसको। तो बेटा कहने लग गया, हैं 50 रुपये में भी कुछ आता है क्या। हैं से हम्पी का रथ जो कर्नाटक के अंदर है। फिर पिताजी ने सोचा, बेटा जाके मानेगा ऐसे, मानेगा नहीं। पिताजी कहने लगे, ले बेटा तू 200 रुपये ले ले। बेटे को यकीन नहीं था कि पिताजी 200 रुपये दे देगा मुझे। तो कह रहा है, सच में दे रहे हो क्या। सच्ची सच्ची से सांची का स्तूप जो कहाँ है मध्य प्रदेश के अंदर है। 50 का दिया तो उसने हामी मार दी है, 200 का दिया तो उसको यकीन हुआ कि पिताजी 200 का दे सकते हैं। फिर कंजूस बाप ने देखा कि भाई ऐसे तो ना, जो मेरा बेटा है खुश हो रहा है और पहली बार मैं इसको इतना खुश देख रहा हूँ। तो कह रहा है, ले बेटा तू 500 रुपये का नोट ले ले। तो बेटा खुश होकर कहने लगा, ऐसे तो पिताजी मैं लाल किला दिखाऊंगा जो दिल्ली के अंदर है। फिर पिताजी ने सोची, बेटे को और खुश कर देता हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना कुछ नजर आ रहा है। तो कह रहा है, दिल्ली ये ले 2000 रुपये का नोट। तो बेटा कहने लगा, ऐसे तो ना मैं मंगलयान घुमाऊंगा। क्या कहाँ घुमाऊंगा, मंगलयान। तो सभी याद हो गए, 50 रुपये का नोट कैसे याद हो गया। तो बेटे ने पैसे मांगे थे पिताजी से, पिताजी ने 50 रुपये का नोट दिया। कितने का दिया, 50 का। तो बेटा कहने लग गया, है 50 रुपये के नोट में कुछ आता है क्या। फिर उसने 200 का दिया। तो फिर 200 का देने के बाद फिर बेटे को यकीन हुआ, कहने लगा, सच्ची में 200 रुपये का दे रहे हो। फिर उसने 500 का दिया। फिर वो ज़्यादा खुश हो गया, बोले मैं तो ऐसे तो लाल किला घुमाऊंगा। फिर उसने 2000 का दिया। फिर वो कहने लगा, ऐसे तो मैं मंगलयान घुमाऊंगा। नेक्स्ट, यदि आप सूर्य मंदिर जाओगे, जो वहाँ टिकट लगती है सूर्य मंदिर देखने की, वो 10 रुपये की लगती है। यदि आप एलोरा की गुफाओं पर जाओगे तो वहाँ पर टिकट लगती है 20 रुपये की। अब रानी की जो भाव है ना गुजरात में, इसकी क्या खास बात है। जो ये फोटो लग रहा है ना 100 रुपये पर लग रहा है, इसकी खास बात ये है, जो ये रानी की जो बावड़ी है ना 100 मीटर स्क्वेयर के अंदर है ये रानी की बावड़ी। तो ये वैसे याद हो जाएगी। और एक बात और, जो पुराना जो 20 का नोट है ना, जो वहाँ पर जो फोटो लग रही है वो लग रही है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान की। जिसकी माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान की।